अनुपमा बनी माधुरी दीक्षित। तो अनुज बने सलमान खान। शुरू हुई टीवी की हम आपके हैं कौन। केंजल की गोद भराई में डांस का धमाल। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आ गया है खुशियों का मौसम। और देखे तो केंजल की गोद भराई की रस्म में कैसे डांस का टशन दिखा रहे हैं अनुपमा और अनुज। भाई दोनों का नच बलिए देखने लायक है। इन पर चढ़ गया है फिल्मी फीवर। जहां आज माधुरी दीक्षित की तरह झूम रही है अनुपमा, तो वहीं सलमान खान के अंदाज में ताल से ताल मिला रहे हैं अनुज। वैसे इनके नच में शामिल हो गई है बरखा भी। भाई पूरा परिवार काफी खुश नजर आ रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सीरियल्स की दुनिया में खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां खुशियों पर लग गया ब्रेक और आ गया ट्विस्ट। असल में अधिक पाखी को एक कमरे में ले जाता है और ऐसे में दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर पहुंच जाती है अनुपमा। और अनुपमा अपनी बेटी पाखी और अधिक को साथ में देखकर शॉक हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि अनुपमा कुछ कह पाती, वहां पर वनराज पहुंच जाता है, जो इन दोनों को साथ में देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और अधिक पर भड़क जाता है। और तब शुरू होता है असली तमाशा, क्योंकि वो गोद भराई की रस्म में घसीटते हुए अधिक को ले जाता है और मार देता है थप्पड़। I'm so sorry, but मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। खुद को काफी देर से रोक रहा था, but फिर सोचा कि अब कह ही देता हूँ। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। कैसे हुई मेरी बेटी के पास आने की? सर मेरी छोड़िए, क्या करेंगे? शट अप! मैंने तुमसे कितना कहा था कि इन दोनों परिवारों को दूर रखना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देख लिया अपनी मनमानी का नतीजा। क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं? एक मिनट प्लीज स्टॉप इट सर, सुनिए तो सही। मिस्टर शाह, हाउ डेयर यू? लेकिन ऐसा हुआ क्या? पूछो, बता। अरे जो भी हुआ हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? बता अपनी बहन को मैंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? बता, और तुम्हारे भाई की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अरे वो तो रिश्ता बीच में आ गया, वरना महादेव की सौगंध, मैं इसका हाथ उखाड़ के इसके हाथ में दे देता। मिस्टर शाह, बस तुम्हारे ससुराल का लड़का पहली बार इस घर में आया, पहली बार इस घर के फंक्शन में आया और मेरी बेटी को कमरे में ले जाके। वरराज अधिक पर इल्जाम लगा रहा होता है कि तभी पाखी कहती है कि वो अधिक के साथ कमरे में खुद की मर्जी से गई थी। और इस बात को सुनकर वनराज और सभी घर वालों को लगता है जोर का झटका। अरे एक तो ये लड़का पहला फुसला के मेरी बेटी को अपनी मर्जी से गई थी। अब देखना होगा कि क्या वनराज अधिक और पाखी के रिश्ते के लिए तैयार होते हैं या फिर कहानी में आएगा कोई नया मोड़। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।